मेरा नाम सपना है मैं आपको सलाम करता हूँ मैं हिंदू के घर की, की हूँ मेरा आदमी मुसलमान है मोहम्मद हामिद कुरोशी मैं ये सवाल पूछता हूँ जे पुरखो पुरखो से ये जात बेत का चल रहा है तो ये हिंदू मुसलमान आप बोलते हो जे हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है एक है मैं मानती तू मगर ये बात है जो हिंदू बच्चा होते है तो हिंदू का सलामी दिया जाता है जो मुस्लिम बच्चा होता है उसको मुस्लिम सलामी देता है जब भी उसका कान में नमाज़ दिया जाता है और जब भी हिंदू का बच्चा होता है उसका नाम दिया जाता है कृष्ण नाम दिया जाता है या राम नाम दिया जाता है जो भी दिया जाता है जिसको जैसा शिक्षा देता है उसको वैसे ही शिक्षा मिलता है जैसा हमें सिखाया गया बचपन से भगवान को मानना है हम भगवान को मानते हैं हम मुसलमान धर्म को भी मानते ऐसा नहीं मानते नहीं हमें जैसा शिक्षा दिया गया है वैसे ही शिक्षा में मैं मानता हूँ मगर आप बोलते हो जो मुसलमान ही होएगा हिंदू नहीं हो सकता है ऐसा कैसे बोल सकते हो तो पुरको पुरको इतनी बुजुर्ग लोग थे इतनी जानते तो आपके साथ तो बहस लड़ नहीं सकते आप बहुत जानते हो तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ हमारे बाप दादा सब मतलब इन्होंने देख के आया ये हमने भी देखा है हम हिंदू मगर जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसको सम्मान कर बहन का सवाल है और मुझसे बहसने करना चाहती है मैं भी आपसे बहसने करना चाहता हूँ कर नहीं सकते कैसे हमें उतना शिक्षा नहीं है उतना बोल नहीं सकते है ना बहन का सवाल है कि मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक है लेकिन जो हिंदू खानदान में पैदा होता है उसे हिंदू शिक्षा दी जाती जो मुसलमान खानदान में पैदा होता है मुस्लिम की शिक्षा दी जाती तो ये कैसा कह सकते हैं कि मुस्लिम सही और हिंदू गलत ये क्या है बहन आप कहते हैं के कि आपकी शिक्षा कम है मैं आपसे पूछना चाहता दो जमा दो कितनी होती है दो जमा दो कितना होता है दो जमा दो कितना होता है हुँ? दो जमा दो कितना होता है चार होता है माशाल्लाह, तो ये मत कहो कि आपको शिक्षा नहीं है अगर गांव से कोई आती है लड़की हुँ? और कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया दो जमा दो पांच तो आप क्या कहेंगे उससे पांच कह आएगा तेरे वालिद को मैथमेटिक्स नहीं आती थी नहीं मेरे वालिद ने तो सिखाया उन्हें कहेंगी अच्छा ठीक है दो जमा दो चार भी दो जमा दो पांच भी ये कहना गलत है दोनों में से तहकीक करने पड़ेगा कौन सा सही है उसके ऊपर अमल करे नहीं नहीं मैं क्या चाहती हूं हिंदू भी से मुस्लिम भी से दो जमा दो चार भी सही दो जमा दो पांच भी सही आप तो माशाला बहुत विद्वान है आप जानते दो जमा दो चार है कितने लोग नहीं जानते दो जमा दो चार है वो कहते पांच है तो क्योंकि खुदा ने आपको इल्म दिया अकल दिए आपका फर्ज है कि आप उनसे कहे बहन जी दो जमा दो पांच नहीं दो जमा दो चार है फिर वो कहेंगे अच्छा अच्छा दोनों सही है तो आप बोलेंगे नहीं दोनों सही नहीं दो जमा दो चार ही है पांच गलत है उसी तरीके से अगर किसी के वालदे ने उसे गलत सिखाया क्या बुत परस्ती करना जब हिंदू मज़हबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है तो जिसके पास इल्म है मैं, तालिब इल्म मैं एक स्टूडेंट हूं इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का तो मुझे जब इल्म है मैं जरूर कहूंगा लोग से जो गलत कह रहे हैं कि सही चीज को फॉलो करो मेरे डिस्कशन भी होते मैं आपसे नहीं बहस करता हूं लेकिन जो विद्वान लोग हैं हिंदू मजहब के क्रिश्चियन मजहब के ईसाई मजहब से उसे कहते हैं डायलॉग मैं स्टूडेंट वो पीएचडी डॉक्टर मैं मेडिकल डॉक्टर हूं धार्मिक डॉक्टर नहीं हूं मैं उनसे डिस्कशन करता हूं डायलॉग करता हूं डिबेट करता हूं अगर मैं गलत मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूं आप मुझे साबित करो कि जो मैं कह रहा हूं गलत है कि मेरा मज़हब गलत है मैं आपके मजहब को कबूल करने को तैयार हूँ ओपन चैलेंज मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस्लाम और तकबल मजाहब का तालब इलम हूँ उन्नीस साल तक के मैं भी मेरे वालिद थे इसलिए मैं भी मुस्लिम था उन्नीस साल के बाद जब तहकीक करने लगा पता चला कि मैं सही मजहब में हूँ और फिर दिगर मजहब का मताल किया कि हर मजहब में अच्छी बातें है हर मजहब में बदलने के बाद भी उस मजहबी किताब में बदलाव आने के बाद करप्शन आने के बावजूद भी सही चीज लिखा है कि ईश्वर एक है उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए इसके मतलब हमारे जो बड़ी बुजुर्ग है जैसा है आप लोग शिक्षा देते हैं हम लोगों को ऐसा हमारी जो बड़ी बुजुर्ग शिक्षा देता है वो गलत है काफी चीज सही है काफी चीज गलत है मैं आपके बड़े से बड़े गुरु के साथ भी डिबेट किया डिबेट डायलॉग एक आपका हिंदुस्तान का बहुत माना हुआ श्री श्री रविशंकर के बारे में सुने आपने श्री श्री रविशंकर सुने ये लोग ये लोग जैसे आपने किताब पढ़ के जानते हो ये लोग भी किताब पढ़ के जानते हो। अरे देखा बिल्कुल सही वो कहता कि चार साल से मैं भगवत गीता मुंह जबानी जानता हूँ

मैं पूछता हूँ अगर मैं गलत हो तो कहना चाहिए जाकिर यह गलत है तुम्हारी मानी गलत है मैं कहता हूं कि आपकी किताब कहती है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 और स्वता शा उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति और प्रतिमा की मानिए अक्ष उस खुदा उस ईश्वर उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं कोई अक्ष नहीं कोई फोटोग्राफ नहीं कोई पेंटिंग नहीं कोई पिक्चर नहीं कोई बुत नहीं कोई मूर्ति नहीं फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं मूर्ति नहीं पूजा करेगा तो ईश्वर तो तो डाक सकते जैसे शिक्षा दिया गया है किताब में लिखा गया है अगर शिक्षा मूर्ति पूजा नहीं दे करेगा इसकी मतलब मूर्ति पूजा ही करो मूर्ता को देखो गीता में महाभारत में मूर्ति नहीं है वो पढ़ो लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है वो कन्न में दो आप मूर्ति पूजा करते ही बहन मैं करती करता नहीं मगर गलत करती तू मगर वो बात नहीं बोला की मैं गलत नहीं करूँ अगर आपकी अगर आपकी सहेली कह रही है दो जमा दो पांच तो आप उसको सुधारेंगे कि नहीं हाँ, सुधारना तो गां मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको हिदायत दूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मूर्ति पूजा कुरान में लिखा गलत है उसको बाजू रखो आप कुरान में नहीं मानती आपकी धार्मिक किताब में लिखा मूर्ति पूजा गलत है मैं हवाला दे रहा हूँ हाँ, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं मगर ईश्वर को बुलाना जैसे उनको शिक्षा दिया गया जिनका बुलाया जाए ईश्वर को ही बुलाया जाता है एक एक चीज पे डिस्कस करे फिर दूसरी चीज पे जाए मेरा पहला सवाल है मूर्ति पूजा जब गलत है तो क्यों करती है आप अब परस्ती क्यों करती है अभी उन पुरखो ने वो ऐसा करके आया आज की तो बात नहीं हमने मना कर दिया चलो हमने नहीं कर रहा हो मगर ये पुरखो जब भी जमाना से करके आ रहा है ये लोग तो नहीं बोलेगा जैसे हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे वो तो नहीं कर सकते ना। अगर रोमानी से देहात में सिखाया जा रहा है दो जमा दो पांच है तो आप उसको मानेंगी मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है मैं मानूंगा मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है मैं पूछता हूँ दुनिया क्या है आज दुनिया चपटी है क्या दुनिया गोल है गोल है। गोल है है आप तो विद्वान है आप तो जानती है तो अगर मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है तो क्या करूँ मैं उनकी बात को मानू क्या छोड़ दू उस टाइम क्या जमाना चलता नहीं था बिल्कुल सही आज का जमाना है आप टाइम उस बल्कि अच्छा जमाना था अभी का जो जमाना है ना उस टाइम बल्कि अच्छा था था पहले ऐसे नहीं है पहले ऐसे प्रचार नहीं होते थे जहाँ करोड़ों लोग एक साथ में देख सकते थे आज के प्रचार में यहाँ लाखों लोग जमा है लाखों लोग के साथ साथ टेलीविजन पे करोड़ों लोग देखते तो आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा करोड़ों के सामने आपको कहा गया कि मूर्ति पूजा गलत है फिर भी आप करेंगी तो आपको कोई बहाना नहीं रहेगा बाकी मूर्ति पूजा गलत है मगर मैं एक धर्म के बारे में बोला जो उनमें जो लिखाया गया आपकी कुरान शरीफ में जैसे लिखाई गया हमारे गीति मोहार्बत में लिखाया गया वो पढ़ना तो गुना नहीं है ना मैंने कब बोला कि गीता मैं भी गीता पढ़ता हूँ मैंने कब कहा कि गीता पढ़ना गलत है मैं भी गीता पढ़ता हूँ मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ मैं यहूदी किताब भी पढ़ता हूँ वेद भी पढ़ता हूँ आपने कितना पढ़ा मुझे पता नहीं मैं पढ़ा नहीं हूँ मैं अन पढ़ा मैं लेकिन पढ़ा लिखे पढ़ाऊँ आप इसीलिए मैं पहले ही बोला आपके साथ बैर नहीं लड़ सकती आपकी बराबरी करना भी मेरा काम नहीं है तो मैं आपसे बैर नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूँ मगर हमारी पुरखो पुरखो जो करके आया तो ये क्या गलत है इसीलिए मेरे पुरखो कहते थे कि जमीन चपटी है दुनिया चपटी है तो मानू मैं उस की बात मैं पुरखों की इज्जत करूंगा मेरे बड़े थे मेरे बाप दादा थे इज्जत करना जरूरी नहीं की उनकी बात को मानना अगर मेरे पुरखे कहते थे दो जमा दो पांच तो क्या मानू मैं, मैं कहूंगा मैं अदब से पेश आऊंगा मैं उनको गाली नहीं दूंगा मैं उनकी इज्जत नहीं निकालूंगा प्यार से लेकिन कहूंगा कि आप गलत है नहीं। अगर नहीं भी कहूंगा तो कम से कम मेरी जिंदगी में उसके ऊपर अमल नहीं करूंगा नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपकी धार्मिक किताब कहती है आपकी शोहर की किताब आप शोहर से शादी किए ना लव मैरिज था हाँ।, हाँ।, हाँ सही था क्या गलत था अलग बात है लेकिन जब आप अपनी शोहर से इतनी मोहब्बत करती है शोर आपसे मोहब्बत करते हैं नहीं करते ना मैं भी मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं मेरे बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ मैं मेरी बेटियों से भी मोहब्बत करता हूँ जिक्र और से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके शोर आपसे मोहब्बत करते वो नहीं चाहते कि आप जन्नत में जाए आप चाहते कि आपके शोर जन्नत में जाए क्या जाए क्या नहीं तो मैं पूछता हूँ कि अगर एक गाड़ी है एक गाड़ी जब चलती है एक पहिया है साइकिल का दूसरा पहिया ट्रैक्टर का गाड़ी चलेंगी क्या नहीं, नहीं चलेंगी ना नहीं, नहीं चलेंगी इम्बेलेंस तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कौन सा टायर सही है चारों टायर अगर लगा देंगे साइकिल के तो बन जाएंगे हाथ गाड़ी अगर ट्रक के टायर तो बन जाएंगा ट्रक तो हमें यह देखना तहकी करना चाहिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आंख बंद करके आप अपनी शोहर की बात को मानो पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है लेकिन जहन जहीन होना जरूरी है हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद वो भी अनपढ़ थे लेकिन सबसे जहीन थे तो मैं आपसे पूछता हूं जब साफ तौर पे आपकी किताबों में हिंदू मज़हब की किताब में और कुरान में लिखा है आपके पुर्किया अगर गलत चीज कहते थे तो आपको गलत चीज पे अमल करना जरूरी है नहीं। तो आप क्यों नहीं बुतप्रस्ती छोड़ते आप कहते हैं आप शोर से मोहब्बत करते हैं। करते हैं क्या नहीं क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क है यह ऊपरी मोहब्बत है सही मोहब्बत होगी तो मैं चाहूंगा कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरी बीवी मेरे साथ हो आपने जाएंगे आपके शोर आपके साथ हो, हो क्या नहीं हाँ। तो आप यह नहीं तहकीक करेंगे कौन सही आपका शोर क्या आप नहीं वो मानते मेरा शौहर क्या है मगर उनका भी मानते हो मगर ये मूर्ति पूजा इसका छोड़ सकता हो मगर मेरा धर्म का जो नाम है वो तो कान में लेना धर्म का में नाम की बात कर रहे आप हाँ, नाम की नाम से मैं भी हिंदू हूँ क्या हूँ हिंदू हिंदू का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले को कहते हिंदू हाँ ये लफ्ज सबसे पहले वजूद में कैसे आया जब अरब अरब लोग हिंदुस्तान में आए तो उन्हें ये लफ्ज हिंदू दिया हिमालय के हिंसा और हिंदू के दूसरे कुछ लोग कहते इसीलिए आज जब मैं जाता हूं गल्फ कंट्री में सऊदी अरब में कहते हिंदी है जाकिर हिंदी है तो लफ्जी मानी से मैं हिंदू हूं इट्स अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन जो हिंदुस्तान में रहता है उसे कहते हैं हिंदू ये मजहबी डेफिनेशन ने जोग्राफिकल डेफिनेशन मैं हिंदुस्तानी हूं लफ्स के डेफिनेशन से मैं हिंदू लेकिन अगर आप कहेंगे धार्मिक हिंदू जो बुद्ध परस्ती करता है तो मैं वो हिंदू नहीं हूं आपने कहा कि आप भी बुद्ध परस्ती नहीं करेंगे तो वैसे आप भी हिंदू नहीं है लेकिन आप लफ्स को पकड़ना चाहते हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप हिंदू रह सकते हैं। मैं भी हिंदू मैं मुसलमान हिंदू हूं जोग्राफिकल डेफिनेशन आप समझ रहे आप बहुत जहीन है माशाला बहुत से लोग प्रोफेसर होते और समझते नहीं आप कहते हैं कि आप पढ़ और समझ रहे हैं माशा तो ऐसे इल्म का क्या फायदा जो आपको खुदा की तरफ नहीं लेके जाए यू नो कल मेरी तकरीर थी तालीम दोनों जहाँ के लिए तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप अपने आप को हिंदू कहती है क्योंकि आप हिंदुस्तान में तो मैं भी अपने आप को हिंदू कहता हूं आप बुद्ध परिस्थिति को छोड़ दो क्योंकि आपके हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है हराम तो आप बुद्ध परिस्थिति को छोड़ने तैयार है तैयार है माशाल्लाह मानते है आप मानते हैं कि मोहम्मद है। हाँ। माशाल्लाह। उसका आदमी मुसलमान मुसलमान ही तो आदमी है तो मुसलमान है कभी कभी जरूरी नहीं उल्टा भी होता है जो औरत है वो आदमी बन जाता है क्योंकि एक मैं कहूंगा सही है क्या बताने दिल लगाया गदी से तो परी क्या चीज है तो प्यार अंधा भी होता है मेरी उर्दू इतनी महान नहीं है तो शेख रहमान मुझ पैसे ही है मैंने कौन सा शहर कह दिया ऐसा सब शहर पब्लिक के लिए नहीं होते तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने शादी तो की मोहब्बत तो की लेकिन अमल में आप अगर बुध परिस्थिति को छोड़ने तैयार है एक खुदा को मानने तैयार है और मानने को तैयार है कि मोहम्मद आखिरी पैगंबर है तो आप अपने आप को मुस्लिम कह सकती है हाँ मैं मुस्लिम तो हूँ माशा तो आप मानते हैं कि खुदा एक है हाँ। आप मानते बुद्ध परस्ती गलत है हाँ, गलत है आप मानते हैं कि मोहम्मद आखिरी पैगम्बर है हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं नहीं मेरे को कभी कोई किया ही नहीं माशा कितने साल पहले आपकी शादी हुई मेरे को अभी आठ नौ साल हो गया नौ साल हो गए आपके शोहर ने जबरदस्ती नहीं किया सही किया बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन आज आप अपने दिल से कबूल करना चाहती है इस्लाम हाँ आप पे कोई भी दबाव नहीं नहीं आप दिल से करना चाहती मैं अरबी में कहूँगा अशदु अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा, इलाहा अशदु अन्ना, अन्ना मोहम्मद मोहम्मद अब्दुह अब्दू वर्फुलहु वर्फुलू मैं शहादत देती हूँ मैं इशाजत देती हूँ के के अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई कोई माबूद नहीं माबूद नहीं है और और मोहम्मद मोहम्मद वसल्लम, वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं बंदे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह आप नौ साल के बाद अब मुसलमान हो चुकी है मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस्लाम का इल्म हासिल करो कुरान मजि तर्जुमे के साथ पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए आपकी ये शहादत ने मेरी कल की को मुकम्मल किया है मैं कह रहा था तालीम दोनों जहां के लिए। वो तालीम आप पी करो टीचर बनो प्रोफेसर बनो लेकिन आपके रब के करीब नहीं लेके आएंगे आपके खालिद के करीब लेके आएगा वो तालीम तो फायदा क्या है तो आप उस प्रोफेसर से बेहतर है जो उसका तालीम उसको रब की तरफ नहीं लेके आ रहा है मैं आपको शाबाशी देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको इस जहाँ और आखरत में इन श्ला जन्नत देखते हैं तो आपको सलाम आपकी जितनी भी मुस्लिम भाई है उसको भी मेरा सलाम